हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों का जो फेवरेट इमोजी है उसको सेंड कीजिए। स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप लोग हार्ट सेंड कीजिए और अपना जो पैर है ना वो दिखा दीजिए ताकि मैं आशीर्वाद दे सकूँ। अगर छोटे होंगे तो बस बदले में आप इमोजी दे दीजिएगा, और बड़े होंगे तो अपने बदले में आशीर्वाद दे दीजिएगा, क्योंकि आपका हो चुका है, आपके भाई का और भाभी का दोनों का मिला के हो चुका है 100K+। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भर भर के खूब सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों के सामने जो है बहुत जल्दी आएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ना जैसा पैर दिखा रहे हैं वैसे ही दिखाते रहिए, और बस सरप्राइज़ रहेगा इस पर। और नहीं तो मैं बोल देता हूँ ना कोई काम तो वो कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है, मैं सब चीज़ नोटिस किया हूँ, तो इसलिए सॉरी। कुछ सरप्राइज़ है जो कि बहुत जल्द मज़ा आएगा आप लोग को, और बहुत ज़्यादा चीज़ धमाल होगा, कुछ भी नहीं बताएंगे अभी। और बस इतना समझ लीजिए कि कुछ कुछ सामान ख़रीदना है जो कि कपड़ा से लेके भर भर के होगा, जो भी होगा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले इस ब्लॉग को देखिए, हमारी रंजना जी बैक टू द पवेलियन, यानी कि फिर से आ रही हैं फॉर्म में, और सब कुछ ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। बस थोड़ा रिपोर्ट का जो है वो मैं कल जाऊंगा, उसका भी मैं देख लूंगा, उसके बाद से हम लोग अपने नया प्लान के तहत हम लोग अपने तरफ चले जाएंगे। तो चलिए गाइस, रहने देते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आएगा। आज बना हुआ था कांदा का सब्जी, जो कि उसको मैं नहीं खा पाया, क्योंकि उसका कोई भी टेस्ट था ही नहीं सब्जी में। मतलब ऐसे कोई सब्जी बनाता है? आप लोग खुद देखिए और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं, और उसका भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो जो सब्ज़ी था ना वो चोखा के जैसा भी, चोखा तो बहुत टेस्टी होता है। मैं सब्जी नहीं खाया हूँ, मैं जो होता है सामने बोल दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना कि एकदम नहीं, कुछ टेस्ट नहीं, तो पता नहीं क्या डाली थी, यही बताएंगी जब सब्जी बनाती होंगी तो ये बताएंगी। तब तक आप लोग वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लव यू। पहले उठ गई क्योंकि क्या है ना कि आज थोड़ा सो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा नींद आ रहा ना मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना नींद आ रहा, और अभी फ्रेश वगैरह हो गए। और अभी चलते थोड़ा सा चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा, तो चलिए चल रहे हैं। तो गाइज, मैं यहाँ पे बना रही थी कंदा की सब्ज़ी, तो इसमें जो मसाला रहता है वो सब सारा मसाला मैं ली थी। मसाला में मैं क्या क्या ली थी, इसमें ली थी लहसुन, जीरा, गोल मिर्च, ये तीनों चीज़, और हल्का सा क्या की थी सरसों ले ली थी, और इसको अच्छे से क्या की थी कि मतलब कि इसको पीस लिए थे। उसके बाद क्या की थी, सबसे पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लिए थे, और वो जो कंदा गाइस, कंदा को मैं क्या की थी ना, उसको कुकर में ना 3-4 सीटी लगा दिए थे। क्या करना था मुझे ना, 2 ही सीटी लगाना था, और मैं बहुत ज़्यादा सीटी लगा दी थी, इसलिए वो क्या की थी हलवा पूरा हो गया था। तो गाइस, यहाँ पे सब्जी, रोटी और भुजिया बन चुका है भिंडी का, और बस यहाँ पे दोपहर के लंच के लिए बस मैं चढ़ा दी हूँ यहाँ पर चावल दाल, तो अब ये होगा। और अब चलते मम्मी जी के पास, पूछते हैं नाश्ता के लिए। जब यहाँ पे क्या हुआ, चावल हो चुका है और अब इसका निकालेंगे मार। कहीं आप लोग बताना कि आप लोग चावल कुकर में बनाते हो या फिर ऐसे ही? हमारे घर में तो चावल ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि ऐसे ही बाकी दाल भी हो चुका है। तो गाइस, खाने यहाँ पे निकाल दिए हैं, इनकी बारी है खाना खाने की, आइए। तो गाइस, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, शाम का वक्त हो चुका है, आप लोग भी देख सकते हैं। और कहना कि चाय थोड़ा सा पी लो तो मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे चाय उबल रहा है। हे गाइस, तो शाम का वक्त हो चुका है, और यहाँ पे परसों से नारियल का पानी आकर रखा हुआ है, लेकिन पिए नहीं हैं हम। अब एक और रखा हुआ है, तो मैं सोचती थी कि क्यों ना इसको पी लूँ, क्योंकि नहीं पीऊँगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और पापा जी भी लेकर आए थे इसको, तो कल एक पिए और अभी चलते पी लेते हैं इसको। कहना इसको पीने के बाद एकदम पेट भर जाता है,
अच्छा भी लगता है। मम्मी जी के भी पास लेकर गए, बोले कि एक वो पी लेंगे और एक मैं पी लूँगी। तो बोली क्या कि अभी हम नहीं पियेंगे, तुम जाओ पी लो। तो अभी हम चलते पी लेते हैं, उसके बाद अभी चाय बन रहा है, तब तक बन जाएगा तो फिर चाय और हो सकेगा तो बिस्किट खाएंगे, क्योंकि शाम का वक्त हो जाता ना तो मुझे लगता ना कि चाय और बिस्कुट खाऊं, तो बस वही खाएंगे। बाकी अभी जेरी सो रहा है और मेरे को टुकुर टुकुर देख रहा है, ये देखता भी है। तो बस आप लोग बने रहिए और चलिए पीते हैं। गाइज मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा मीठा है, अच्छा लगता है मीठा रहता है। तो ये गाइज तो यहाँ पे ले लिए चाय और इसमें बिस्किट का पैकेट जो कि मैरीगोल्ड बिस्किट है, और इसको हम कल ही मंगवाया था क्योंकि मेरे को क्या है ना कि चाय के साथ या तो मैं नमकीन वाला बिस्किट खाती हूँ या फिर मैरीगोल्ड। और इसको देखिए थोड़ा सा क्या कि मॉर्निंग में खाए थे और इसको ऐसे ही रख दिए थे, तो आगे चलते हैं खाते हैं। और चाय के साथ अधिकतर मेरे को यही बिस्किट अच्छा लगता है। हे गाइस तो रात का वक्त हो चुका है और अभी जा रहे डिनर का तैयारी करते हैं, और अभी बनाने वाले हैं, आज बनाने वाले हैं आलू पालक, जो कि पालक में डालकर बनाते हैं आलू और बैंगन। आप लोग बताना कि आप लोग को किन किन को पसंद है आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी। और यहाँ पे ये रहा आलू बैंगन, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि मुझे ही नहीं मेरे हस्बैंड को भी, बाकी मेरी पूरी फैमिली को भी अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं, पहले इसको छोंक देते हैं सब्जी को, उसके बाद एक साइड रोटी चढ़ा देंगे बनने के लिए। तो बस आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखिए। तो मैं बोली कि चलो पहले ये फ्राई हो जाता है, पालक तब तक पालक डाले गए हैं। क्या ना कि अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो आलू बैंगन पालक ये तीनों मिक्स कर बनाते तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। जब चावल के बने चावल या फिर मक्की की रोटी के साथ खाओ, इसमें आलू बैंगन कट जाने तो और भी ज़्यादा अच्छा। आप लोग बताना कि आप लोग को मतलब मुझे तो दोनों से ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। जब मैं भी अपने घर पे थी ना तो मुझे मेरी मम्मी बनाती थी तो अच्छा लगता था खाते थे। तो और अब चलते हैं फटाफट रोटी बना लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर देखते हैं कि और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी यहाँ पे ये साइड कर देते हैं। तो गाइज अब बारी थी रोटी बनाने की, तो उधर सब्जी अपना धीरे धीरे हो रहा था और मैं बोले थे कि चलो क्यों ना आज जल्दी जल्दी खाना मैं बना लूँ, क्योंकि हमेशा थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। लेकिन अभी घर में हम लोग सिर्फ चार जन हैं, मम्मी जी पापा जी मैं और मेरे हस्बैंड, और एक हमारा जेरी है जो कि वो मैं खाना बनाते रहती तो जस्ट मेरे बगल में सामने ही बैठा रहता है, वो देखते रहता है और मैं भी उससे कुछ कुछ पूछती रही। जब भी खाना बना कर जाएंगे तो बोलेंगे जेरी भूख लगा है खाना खाओगे। अभी जब मैं चाय बिस्किट खा रही थी ना तो उसको मैं क्या की कि बिस्किट दी खाने के लिए, तो वो भी बिस्किट खाया। तब तक मैं बोली कि चलो रोटी फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रोटी तो बनाना नहीं है और आप सबको तो पता ही है कि साग बनाया तो साग के साथ चावल कितना अच्छा लगता है, और सुबह का भी चावल था इसलिए सिर्फ और सिर्फ रोटी ही बनाया, चावल खा लेंगे हम लोग। यहाँ पे मेरा पालक बनकर तैयार हो चुका है और देखिए कितने अच्छे तरीके से, और यहाँ पे रोटी भी बन गया है। तो अब चलते हैं रूम में। तो गाइज फाइनली अभी खाना बनाकर आ गए हैं अपने रूम में, और अभी मुझे लग रहा है कि बैठे हुए हैं और क्या करें, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और गाइज मैं आपको बता दूँ, जो मेरे गले का दर्द था और कुछ उसके साथ मेडिसिन दिए थे, तो मैं क्या कि मेडिसिन हमको लग रहा है कि एक दिन ही खाए थे मेरे साथ, कि पता नहीं क्यों ये दवा खा रहे, तो मुझे बहुत नींद आ रहा, मैं इतने गहरे नींद में सो रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कुछ भी, अभी जैसे कि शाम के वक्त था मैं सोई हुई थी, मेरी फ्रेंड का कॉल आया, बात भी की, मुझे कुछ भी पता नहीं चला और मुझे वो जगह
तो वही मैं सोच रही हूँ कि इतना गहरे नींद में हम कैसे सो सकते हैं। और पहले ऐसे सोचते थे कि एक भुनक भी लगता था ना तो मेरा आवाज़ तुरंत मतलब कि मैं उठ जाती थी, हम बोलते थे कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन अभी तो खैर वो सब सब ठीक हो जाएगा, और अभी मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक है, कोई बात नहीं है। और अब बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं, तो अब चलते हैं मम्मी जी पापा जी को खाना देने, क्योंकि खाना बहुत पहले ही बन गया था। और अभी पापा जी भी बाहर गए हुए थे तो आए हैं वो भी, तो सब लोग अब खाना खाएंगे, उसके बाद फिर आगे का काम जो होगा वो करेंगे। तो बस आप लोग बने रहिए, और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किए कि मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे मतलब कि 100 हो गए हैं, और मैं 100 नहीं 1 लाख हो गए हैं। मैं भी क्या बोल रही हूँ गाइस, कभी कभी होता है ना माइंड काम नहीं करता है, तो उसके लिए मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा बोलना चाहूँगी कि आप लोग और मुझे प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और आगे जाऊँ। और बाकी रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी की, तो वो भी लगभग हमको लग रहा है कि 91K हो चुके हैं, तो और मुझे 9000 और करने हैं, तो पूरे मेरे 1 लाख फैमिली कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं कुछ सोची हूँ कि अगर मेरे इंस्टाग्राम पे भी हो जाएंगे 1 लाख, तो मैं दोनों का सेलिब्रेशन एक साथ करूँगी। तो अब वो कब करूँगी कहाँ करूँगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा भी जैसे सब लोग करते हैं ना, मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी करूँ, तो अभी करेंगे। और बस आप लोग जल्दी जल्दी, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा ना तो मेरा जल्दी से जल्दी मतलब कि 1 लाख कम्प्लीट हो जाएगा इंस्टाग्राम पर भी। तो बस आप लोग इसमें कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, या फिर सब्सक्राइब करने में, या फिर मेरे इंस्टा आईडी फॉलो करने में। तो आप लोग जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए, और हो चुका है रात, तो मेरे तरफ से आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।